आदाब एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद कर सब खैरियत होंगे, मैं खैरियत हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है आलू की टिक्की। तो उसके लिए मैंने ये उबले हुए आलू ले लिए, अब इन्हें छिलेंगे। तो ले लिए, अब हम इन्हें छिलेंगे और फोड़ेंगे। ये देखिए मैंने फोड़ लिए, यानी कि मैश कर लिए। इसमें कुछ नहीं डालना है, बस अब थोड़ा सा लेंगे इसे, इस तरह लिया। अब इसे गोल गोल करेंगे बॉल की फॉर्म में, गोल बना लिया। अब इसे प्रेस करेंगे और इसकी टिक्की बना लेंगे। ये देखें इसी तरह मैंने सारी बना के रखनी है टिक्कियाँ। अब एक पैन लेंगे, उसे धो के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए, चूल्हे की आंच मैंने ऐसे रखी। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब जो टिक्की बना के रखी है वो इसमें रखेंगे, इसी तरह सारी रख देंगे। ये रख दी, जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाएंगी तो फिर इन्हें पलटेंगे। ये देखिए सिक गई थी, मैंने पलट दिया, ये दोनों तरफ से हो गई हैं। अब मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इस पर सबसे पहले चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। अब मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूँगी। ये मैंने आलू की टिक्की के 3-4 फ्लेवर आपको बता दिए। अब इसके बाद जो है इमली पुदीने की जो चटनी है वो डालेंगे एक पे। अब बाकी टिक्की पे हम जो है रायता डाल रहे हैं। इसमें नमक है, काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, ये मिला के रायता बनाए। अब एक ही इस पर हम चाट मसाला डाल देंगे खाली। तो ये मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं 5 डिफरेंट फ्लेवर में। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा आज की रेसिपी कैसी लगी, और घर पे ज़रूर आएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। जहाँ भी रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें।